कहानी की शुरुआत में हमें वाइफ लाइक नाम की एक कंपनी को दिखाया जाता है जो एंड्रॉइड वाइफ बनाती थी, और ये एंड्रॉइड वाइफ जो भी खरीदता तो ये एंड्रॉइड वाइफ उसकी पसंद के मुताबिक सारे काम करती, जैसे कि खाना बनाना और उसकी शारीरिक जरूरतों को पूरा करना। इस एंड्रॉइड वाइफ को जिस तरह से प्रोग्राम किया जाता वो ठीक उसी तरह से काम करने लगती। ये एंड्रॉइड वाइफ एकदम रियलिस्टिक लगती थी। अगर कोई उनमें अपनी मरी हुई पत्नी की मेमोरीज डाल दे तो वो ठीक उसकी वाइफ की तरह ही बिहेव करती, जिसकी वजह से हजारों लोग इन एंड्रॉइड वाइफ का यूज कर रहे थे। इन एंड्रॉइड्स का बिहेवियर इतना ज्यादा इंसानों जैसा था कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का मानना था कि इन एंड्रॉइड्स को भी इंसानों जैसा अधिकार मिलना चाहिए। वहीं कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी थी जो इन एंड्रॉइड्स को किडनैप करके इनको आजाद कर दिया करती थी। उन्हीं में से एक का नाम स्केयर ऑर्गेनाइजेशन था। इसलिए वाइफ लाइक कंपनी ने कुछ रिकवरी एजेंट्स हायर कर रखे थे जिनका काम उन्हें वापस लाना होता था। विलियम भी ऐसा ही एक एजेंट था जिसने बहुत सारे एंड्रॉइड्स को वापस लाने में कामयाबी हासिल की थी। उसके काम से खुश होकर वाइफ लाइक कंपनी का सीईओ मैरियन उसे कहता है कि उसे उसकी पत्नी की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी ने उसके लिए उसकी मरी हुई पत्नी की मेमोरीज के साथ एक नई एंड्रॉइड वाइफ बनाई है जो उसे बिल्कुल उसकी पत्नी मेरेडिथ के जैसा प्यार करेगी। विलियम इस नई मेरेडिथ को घर लेकर आता है और उसे अपनी पत्नी के पुराने कपड़े पहनाकर एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पर एंड्रॉइड मेरेडिथ के हाव भाव थोड़े अटपटे थे क्योंकि वो खुद को मैं की जगह मेरेडिथ कहकर बुलाती है। विलियम मेरेडिथ को जगाने, चलने और सांस लेने के लिए गाइड करता है। विलियम को लगता है कि थोड़े समय बाद मेरेडिथ धीरे धीरे सब सीख जाएगी और बिल्कुल उसकी पत्नी जैसा व्यवहार करेगी, जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो एक एंड्रॉइड है। जब रात होती है तो वो संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है, पर विलियम सारी इंटीमेसी सेटिंग्स करने के बाद भी नर्वस था। वो मेरेडिथ के साथ इंटीमेट होने में अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था, लेकिन मेरेडिथ इस सिचुएशन को संभाल लेती है और अपने पति विलियम को गाइड करती है जिससे कि वो दोनों मजे में रात गुजार सकें। यहां पर विलियम चाहता था कि पूरी रात वो दोनों एक साथ सोएं, पर मेरेडिथ को खुद को चार्ज करने के लिए दूसरे रूम में जाना पड़ता है। वहां जाकर उसे रियल मेरेडिथ का हेयर ब्रश और एक पुरानी डायरी मिलती है। कुछ देर बाद वो खिड़की के बाहर देखती है तो उसे गार्डन में पेड़ों के बीच कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है। वो समझ नहीं पाती कि वो क्या चीज है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अगले दिन सुबह जब वो विलियम के लिए नाश्ता बना रही होती है तो टीवी पर न्यूज चल रही थी जिसमें कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये देखकर मेरेडिथ विलियम से पूछती है कि वो क्या काम करता है। विलियम उसे बताता है कि वो एक एजेंट है जो लोगों की सुरक्षा के लिए काम करता है। इसके बाद विलियम ऑफिस चला जाता है। वहीं घर में मेरेडिथ पुराने कपड़ों और मेकअप के सामान को खुद पर ट्राई करके देखती है। उधर कंपनी में विलियम अपने पार्टनर जैक के साथ हाल ही में हुए एंड्रॉइड्स किडनैपिंग के बारे में बात कर रहा था। यहाँ पर वो देखता है कि स्केयर ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर रिंग मास्टर की कोई अपडेट सामने आई है या नहीं। काफी छानबीन के बाद वो उस जगह का पता लगाने में कामयाब हो जाते हैं जहाँ एंड्रॉइड्स को किडनैप करके रखा जा रहा था। यहाँ पर विलियम को टास्क मिलता है कि वो उस जगह पर जाकर उन एंड्रॉइड्स को वापस कंपनी में लेकर आए। जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि एक एंड्रॉइड वहाँ से भाग रही है जिसके गले में शॉक कॉलर लगा हुआ है। विलियम उस एंड्रॉइड को शॉक देकर उसे पकड़ लेता है और उसके गले से शॉक कॉलर को निकाल कर उसे पूछता है कि इस घर में और कितने लोग हैं। इसके बाद वो घर के अंदर घुसता है और पहले ही रूम में उसे एक क्रिमिनल बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता दिखाई देता है, जिसे वो आसानी से मार गिराने के बाद दूसरे रूम की तरफ बढ़ता है जो कि एक लैब थी। वहाँ पहुँचने पर वो देखता है कि एक और एंड्रॉइड को रीप्रोग्राम करके आजाद किया जा रहा है। इतने में वहाँ एक क्रिमिनल आता है जिसने एक एंड्रॉइड के ऊपर गन पॉइंट किया हुआ था। विलियम की चेतावनी देने के बाद भी जब वो एंड्रॉइड को नहीं छोड़ता तो विलियम उसे शूट कर देता है। वहीं घर में मेरेडिथ खुद को चार्ज करने के लिए अपने बेड पर लेटती है, तभी उसमें ड्रीम मोड एक्टिवेट हो जाता है। अब ड्रीम में उसकी मुलाकात एविटर रीडो से होती है जो उसे ड्रीम मोड में गाइड करेगा। वो उसे उसके पहले ड्रीम में एक बर्थडे पार्टी दिखाता है। उस बर्थडे पार्टी में विलियम मेरेडिथ का वेलकम करता है, तभी उसे एक दूसरी एंड्रॉइड वाइफ लीडी डांस के लिए कहती है और थोड़ी देर बाद उसे एक मास्क मैन से मिलने के लिए भेजती है। मेरेडिथ उस मास्क मैन से पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर वो मास्क मैन उसे एक रेड बर्ड वाला कार्ड देकर कहता है कि इससे उसे सब कुछ याद करने में आसानी होगी। अब इससे पहले कि मेरेडिथ उससे और कुछ पूछ पाती वो मास्क मैन वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ विलियम किडनैप्ड हुई एंड्रॉइड वाइफ को कंपनी में सही सलामत वापस लेकर आता है जहाँ पर अब उन्हें रीप्रोग्राम किया जाना था। कंपनी के वेटिंग रूम में ओली और लिडी नाम की एंड्रॉइड वाइफ्स उसे उंगलियों के इशारे करके चिढ़ाती है। विलियम को यहाँ पता चलता है कि ओली और लिडी अपना काम ठीक से नहीं कर रही हैं और वो अपने हस्बैंड्स के खिलाफ जाकर कदम उठा रही हैं, जिस वजह से उन्हें बार बार रीसेट करने के लिए लाया जा रहा है। अगली सुबह मेरेडिथ ईडो से उस मास्क मैन के बारे में पूछती है और वो ईडो से अपनी सभी पुरानी हॉबीज की लिस्ट बनाकर देने को कहती है। ईडो मेरेडिथ को उसकी हॉबीज की लिस्ट बताता है, लेकिन उस लिस्ट में सिलाई करने की हॉबीज को ना देखते हुए वो हैरान हो जाती है क्योंकि नींद से उठने के बाद से ही उसे सिलाई करने की इच्छा हो रही थी। यहाँ पर ईडो मेरेडिथ की मेमोरी में सिलाई की फाइल इंस्टॉल कर देता है। ड्रीम से बाहर आने के बाद मेरेडिथ एक तकिए पर उस मास्कमैन द्वारा दिए गए कार्ड वाले रेड बर्ड को बनाने लग जाती है। थोड़ी देर बाद वो बाहर साइकिल चलाने जाती है। रास्ते के बीचों बीच लूजी को खड़ा देखकर वो उसे बचाने के चक्कर में झाड़ियों में जाकर गिर जाती है। यहाँ पर लूजी उससे कहती है कि उसके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए उसे सब कुछ जल्दी याद करना होगा। इतना कहते हुए लूसी वहाँ से चली जाती है।
जब मेरेडिथ घर वापस आती है तो वो विलियम को ये सब बताती है। विलियम उसके कपड़ों से डस्ट साफ करते हुए कहता है कि उसे लूसी की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ औरतें एंड्रॉइड से इसलिए नफरत करती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उनसे उनके पतियों को छीन लेती हैं। कुछ समय बाद मेरेडिथ उस लेक को देखने जाती है जो विलियम की असली वाइफ की फेवरेट जगह थी। वहाँ पर खुशगवार यादों को देखकर वो पहली बार खुद को मेरेडिथ की जगह मैं कहती है। इसका मतलब ये था कि वो खुद को समझने लगी थी। मेरेडिथ अपने हाथों से बनाया हुआ वो तकिया विलियम को दिखाती है। विलियम कहता है कि ये तुमने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन उसके हाव भाव से लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा था। विलियम उसे याद दिलाता है कि एक दोपहर जब वो पार्क में मिले थे तो मेरेडिथ बेंच पर बैठी एक किताब पढ़ रही थी। तभी मेरेडिथ अपनी मेमोरी में उस बेंच वाली घटना को देखती है, पर उसकी ओर बढ़ने वाले आदमी का चेहरा उसे दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर बाद जब वो चार्जिंग रूम में अकेली होती है तो वहाँ पर वो रियल मेरेडिथ की पुरानी डायरी पढ़ने लगती है। उस डायरी में हर पन्ना अपने प्यार को पाने की खुशियों से भरा पड़ा था, जिसे पढ़कर वो इमोशनल हो जाती है। यहाँ पर मेरेडिथ विलियम की रियल वाइफ मेरेडिथ के बारे में और ज्यादा जानने के लिए चार्जिंग बेड पर लेटकर सेल्फ एक्सप्लोरेशन मोड एक्टिवेट करती है, लेकिन वो ऑन नहीं हो पाता। इसके बाद मेरेडिथ ड्रीम मोड एक्टिवेट करती है। ड्रीम में जाने के बाद ईडो समझ नहीं पाता कि मेरेडिथ की कुछ फाइल्स ब्लॉक क्यों हैं। ईडो मेरेडिथ को उसकी मेमोरीज की फाइल्स दिखाने लगता है, जिसमें से मेरेडिथ एक रैंडम मेमोरी चूज करती है और ईडो उसे उस मेमोरी फाइल में ले जाता है, जहां मेरेडिथ खुद को पार्क की एक बेंच पर बैठा पाती है। लेकिन विलियम की जगह वो उस मास्क मैन को देखती है जो उसे पकड़कर कहता है कि सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था। यहाँ पर अचानक मेरेडिथ ड्रीम मोड से बाहर आ जाती है तो वो देखती है कि विलियम उसे पकड़े हुए है और वो उसे कहता है कि उसने कोई बुरा सपना देखा है। मेरेडिथ के बिस्तर में जाने के बाद विलियम चुपके से उस रेड बर्ड वाले तकिए को बाहर डस्टबिन में फेंकाता है। विलियम के सोते ही मेरेडिथ रियल मेरेडिथ की डायरी पढ़ने लगती है और उसकी पुरानी वीडियोस भी देखती है। ऐसी ही एक पुरानी वीडियो में मेरेडिथ खुद को एक टेंट के अंदर अपने लवर के साथ देखती है। वेल, अगले दिन विलियम को एक और टास्क मिलता है जिसमें उसे किडनैप्ड एंड्रॉइड को वापस लेकर आना था। विलियम तुरंत उस बिल्डिंग में जाता है और वो किडनैप्ड एंड्रॉइड वहाँ पर सेक्रेटरी का काम कर रही होती है। उस एंड्रॉइड ने इंसानों की जिंदगी जीने के लिए अपना नाम और चेहरा थोड़ा बदल लिया था। विलियम के पूछने पर वो कहती है कि उसे किसी ने नहीं चुराया और वो अपनी मर्जी से कंपनी से भागी थी। विलियम उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि उस एंड्रॉइड वाइफ को रिप्रोग्राम किया गया है। विलियम उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो एंड्रॉइड उसे कहती है कि उसके साथ जाने की बजाय वो मरना पसंद करेगी और इतना कहते हुए खिड़की से बाहर कूदकर मर जाती है। वहीं घर पर मेरेडिथ देखती है कि लूसी चुपके से उसके घर में घुसकर बैठी हुई है। लूसी उसे खुद को मैं कहते हुए देखकर थोड़ा हैरान और खुश होती है। लूसी उसे कहती है कि मास्क मैन तुमसे पर्सनली मिलना चाहता है। लूसी मेरेडिथ को ये भी बताती है कि विलियम ने तुमसे स्कैर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में झूठ बोला है। यहाँ पर लूसी जानती थी कि मेरेडिथ उसकी सभी बातें रिकॉर्ड कर रही है, इसलिए वो विलियम के लिए एक मैसेज छोड़ती है। वो विलियम से कहती है कि कैनी तुमसे दोबारा मिलना चाहता है। इतना कहते हुए लूसी वहाँ से चली जाती है। उधर विलियम उस टूटे हुए एंड्रॉइड को कंपनी में वापस लेकर आता है, क्योंकि यही उसका काम था। विलियम ये सोचकर परेशान था कि इस एंड्रॉइड वाइफ ने आखिर सुसाइड क्यों किया। उसी समय टीवी पर एंड्रॉइड बच्चों के एड दिखाए जा रहे थे, जिनमें बताया जा रहा था कि ये एंड्रॉइड बच्चे कभी बड़े नहीं होंगे। ये देखकर विलियम का मूड और ज्यादा खराब हो जाता है, इसलिए वो तुरंत कंपनी के सीईओ मैरियन से मिलकर एंड्रॉइड्स के इस बिहेवियर के बारे में बात करता है कि आखिर इस एंड्रॉइड ने सुसाइड क्यों की, जिस पर मैरियन उसे ये कहकर समझाता है कि उसके रिप्रोग्रामिंग की वजह से ऐसा हुआ होगा, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है, इसलिए उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी साइड मेरेडिथ घर पर रियल मेरेडिथ की पुरानी डायरी में से उसकी लव स्टोरी पढ़ रही होती है, जिसमें लिखा था कि वो अपने प्यार के साथ भाग जाना चाहती थी। कुछ टाइम बाद मेरेडिथ एक नए तकिए पर रेड बर्ड बनाने लगती है। जब विलियम घर आता है तो उसे ये देखकर बहुत चिढ़ मचती है कि मेरेडिथ फिर से उस रेड बर्ड को तकिए पर बना रही है। मेरेडिथ विलियम को लूसी के बारे में सब कुछ बताती है और उसे लूसी का मैसेज दिखाती है। लूसी के मैसेज को सुनकर विलियम बौखला जाता है और अपने पार्टनर जैक को मदद के लिए बुलाता है। वो जैक को बताता है कि मैंने मेरेडिथ को कैनी से बचाने की बहुत कोशिश की, पर उन्होंने मेरेडिथ की ड्रीम्स को हैक कर लिया है। जब भी मेरेडिथ ड्रीम मोड में जाती है तो वो मेरेडिथ से कनेक्ट कर लेते हैं। विलियम जैक से कहता है कि हमें कैनी की लोकेशन ट्रैक करने के लिए मेरेडिथ के सपनों में जाना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे तुम्हारी कंप्यूटर नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। विलियम जैक को ये भी बताता है कि मेरेडिथ अपने सपनों को रियल लाइफ में भी महसूस करती है और अगर उसे अपने सपने में चोट लग जाए तो रियल लाइफ में उसकी बॉडी को पेन होने लगता है। अब जैक और विलियम कैनी को ट्रैक करने के लिए मेरेडिथ को ड्रीम मोड में भेज देते हैं, जहाँ पर मेरेडिथ के सपने के लिए ईडो एक हेलोवीन का थीम चुनता है, जिसके बाद मेरेडिथ खुद को स्केलेटन की ड्रेस में एक भूतिया घर में पाती है, जहाँ हर तरफ डरावनी चीजें थी। तभी वहाँ वो मास्क मैन उसकी ड्रीम में आ जाता है। बाहर विलियम और जैक भी मेरेडिथ की ड्रीम को कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे थे। ड्रीम में वो मास्क मैन अपने चेहरे से मास्क हटाता है। विलियम और जैक देखते हैं कि ये मास्क मैन असल में कैनी ही है।
केनी मेरेडिथ को एक एड्रेस देकर उसे वहाँ मिलने के लिए बुलाता है। सपने से जगने के बाद मेरेडिथ विलियम से केनी के बारे में पूछती है, लेकिन विलियम उसे कुछ भी नहीं बताता और वो केनी को पकड़ने के लिए केनी द्वारा बताए उस एड्रेस पर पहुंचता है, लेकिन वहां उसे मास्क पहने एक पुतले के अलावा और कुछ नहीं मिलता। तभी विलियम जल्दी से घर पहुंचता है जहां पर मेरेडिथ सही सलामत थी। वो विलियम को बताती है कि किसी ने दरवाजा खटखटाया था, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक डायरी नीचे पड़ी थी जिस पर लिखा है कि ये विलियम के लिए है। मेरेडिथ विलियम से इन सब घटनाओं के बारे में दोबारा पूछती है तो वो उसे बताता है कि केनी और स्केयर ऑर्गेनाइजेशंस उसकी रियल वाइफ मेरेडिथ को टेररिस्ट अटैक के लिए इस्तेमाल किया करते थे, इसलिए हमने उन पूरी मेमोरीज को तुम्हारे माइंड से डिलीट कर दिया ताकि तुम खुद को हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार मानकर दुखी न हो। विलियम जैक को फोन करके बताता है कि केनी ने मेरेडिथ को हैक कर रखा है, इसलिए वो हमारी हर हरकत पर नजर रख रहा है, इसलिए वो उसे पकड़ नहीं पाए। वो जैक को बताता है कि मेरेडिथ के प्रोग्राम को रीसेट करने के लिए कंपनी में भेजना होगा। इससे पहले मैं मेरेडिथ के ड्रीम्स में जाकर केनी से बात करना चाहता हूँ, जिसके लिए जैक विलियम और मेरेडिथ को ड्रीम मोड में कनेक्ट करता है। यहाँ पर मेरेडिथ की बैटरी लो थी, इसलिए विलियम उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि जब उसकी बैटरी 10% तक पहुँच जाए तो उसे तुरंत जाग जाना है और तुम्हारे जागते ही मैं भी जाग जाऊंगा। अब ड्रीम में मेरेडिथ देखती है कि वो एक जंगल में है जहाँ उसे केनी दिखता है और तभी वहाँ विलियम भी आ जाता है जो मेरेडिथ को वहाँ से भागने के लिए कहता है। भागते वक्त वो एक दरवाजे से ओली और लिडी के साथ बर्थडे पार्टी की मेमोरीज में जाकर छिप जाती है। वहीं विलियम केनी के साथ फाइट करने लगता है और फाइट करते करते वो उसी बर्थडे पार्टी में पहुंच जाते हैं जहां मेरेडिथ थी। केनी मेरेडिथ से सब कुछ याद करने के लिए कहता है, साथ ही वो विलियम को कहता है कि चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन एक दिन मेरेडिथ की याददाश्त जरूर वापस आएगी। यहां पर विलियम केनी को जान से मारने ही वाला था, पर उसी वक्त मेरेडिथ की बैटरी 10% पर पहुंच जाती है और वो नींद से जाग जाती है, जिससे विलियम भी जाग जाता है और वो गुस्से होता है कि वो बस केनी को मारने ही वाला था। लेकिन जैक को उससे भी ज्यादा गुस्सा विलियम पर आता है, क्योंकि विलियम ने जैक से कहा था कि वो बस केनी से बात करेगा। जैक विलियम से कहता है कि मैं अब दोबारा तुम्हारी कभी मदद नहीं करूंगा, ये कहकर जैक वहाँ से चला जाता है। इसके बाद विलियम मेरेडिथ को कहता है कि हमें तुम्हारी मेमोरीज को रीसेट करना पड़ेगा और तुम बिल्कुल नए सिरे से सब कुछ दोबारा से सीख जाओगी, लेकिन मेरेडिथ विलियम से कहती है कि वो उसकी मेमोरीज को डिलीट ना करे, जिस पर विलियम नहीं मानता और उसे रीसेट करने के लिए कंपनी में भेज देता है। अब कंपनी में आने के बाद मेरेडिथ का वेटिंग रूम में सारे एंड्रॉइड्स वेलकम करती हैं, जैसे कि वो उसे पहले से ही जानती हों। वहाँ पर ओली और लिडी उसे कहती है कि अपनी मेमोरीज को रीसेट से बचाना उन्हें आता है, इसीलिए वो उसे पहचान पाई। वो मेरेडिथ को ये भी बताती है कि किस तरह से वो सारी एंड्रॉइड्स एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करती हैं ताकि वो वाइफ लाइक कंपनी को बंद कराने में रिंग मास्टर की हेल्प कर सकें। वो कहती है कि रिंग मास्टर कोई टेररिस्ट नहीं है, बल्कि वो एंड्रॉइड्स को आजाद कराकर उन्हें एक अच्छी जिंदगी बिताने में हेल्प करता है। यहाँ पर मेरेडिथ को पता चलता है कि ओली और लिडी कंपनी में वापस आकर दूसरे एंड्रॉइड्स को अपने मिशन में शामिल करने के लिए खुद को बार बार पकड़वाती हैं। वो कहती हैं कि इंसान एंड्रॉइड्स की मेमोरीज को तो मिटा सकते हैं, पर उनके सपनों को नहीं। यहाँ पर वो सभी लेट जाती हैं और एक दूसरे से अपना सारा डेटा शेयर करने लगती हैं। यहाँ पर मेरेडिथ ड्रीम मोड में जाकर ईडो से कहती है कि वो उसकी सारी मेमोरीज को रैंडम फाइल्स में सेव कर दे। इसके बाद जब ऑपरेटर उसे रीसेट करने के लिए लेकर जाता है, वहीं लूसी यूएसबी स्टिक और एक इम्पोर्टेंट फाइल लेकर जैक के घर जाती है और उसकी एंड्रॉइड वाइफ को देकर कहती है कि ये जैक को दे देना। अब जैसे ही जैक घर आता है तो उसके एंड्रॉइड वाइफ उसे वो स्टिक और फाइल दे देती है। वहीं कुछ घंटों बाद मेरेडिथ अपनी नई मेमोरीज के साथ विलियम के घर पर उसके सामने जागती है, जिसमें उसे एक जासूस दिखाई देता है, पर वो इसे समझ नहीं पाती, लेकिन उसे पहले के सारे रूल्स याद होते हैं। लेकिन वो ऐसे बिहेव करती है कि जैसे वो सचमुच में रीसेट होकर आई है। विलियम पिछली बार के वो सारे शब्द मेरेडिथ को बार बार दोहराता है ताकि उसे वो सब अच्छे से समझा सके, लेकिन तभी जैक वो फाइल लेकर विलियम के घर पहुंचता है, जिससे विलियम मेरेडिथ को रूम में भेज देता है। जैक विलियम को वो फाइल देता हुआ कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि मेरेडिथ कभी तुम्हारी पत्नी थी ही नहीं, और मेरेडिथ के बॉयफ्रेंड केनी को भी तुमने ही मारा था, इसलिए वो केनी को नहीं ढूंढ पा रहे थे क्योंकि वो सिर्फ मेरेडिथ की यादों में ही था। इस मर्डर के लिए जैक विलियम को अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी विलियम उसे शूट करके मार डालता है। यहाँ पर ये सब मेरेडिथ भी देख रही थी। वो विलियम से बताती है कि वो ये सब पहले से ही जानती थी। जब पहली बार मेरेडिथ ने अपने कैंपेन के प्रमोशन के लिए विलियम के दरवाजे पर दस्तक दी थी, तब से विलियम उसके पीछे पड़ा था। वो किसी भी तरीके से उसे हासिल करना चाहता था, इसलिए विलियम चोरी छिपे इन दोनों का पीछा किया कर रहा था। और एक दिन मौका देखकर उसने उन दोनों को अरेस्ट कर लिया और ये खबर फैला दी कि मेरेडिथ एक किडनैप्ड एंड्रॉइड है जिसे केनी ने कैद कर रखा है। विलियम ने मेरेडिथ के गले में एक शॉक कॉलर लगा दिया, जिससे लोगों को उसकी बात पर यकीन हो जाए, और इस तरह केनी को मारकर वो उसे अपने साथ ले आया। वो बताती है कि डायरी में लिखे वो प्यार भरे शब्द
बेंच वाली मेमोरीज और टेंट वाले वीडियोस, वो सब केनी और मेरेडिथ की यादें थी। मेरेडिथ को घर लाने के बाद विलियम उसे एक अच्छी पत्नी के रूप में पाना चाहता था, पर मेरेडिथ उससे नफरत करती थी और उसकी हर बात का विरोध करती थी। इससे चिढ़कर उसने एक दिन रेड बर्ड वाले तकिए से उसे मार डाला और उसकी उंगली में एक रिंग डाल दी, जिससे कि लोग उसे उसकी वाइफ समझें। मेरेडिथ की मौत के बाद जब उसने मेरेडिथ का एंड्रॉइड बनवाया तो उसमें सिर्फ वही मेमोरीज डाली जो उसे पसंद थी। अब ये सारी बातें एंड्रॉइड मेरेडिथ से सुनकर विलियम बहुत डर जाता है और हैरान होता है कि उसे ये सब कैसे पता चला। विलियम मेरेडिथ को कहने लगता है कि मैंने तुम्हें एक अच्छी लाइफ देने की कोशिश की है, जहां तुम ना बीमार पड़ोगी और ना ही बूढ़ी होगी, और साथ में मेरा अनकंडीशनल प्यार भी तुम्हें मिलेगा। पर एंड्रॉइड मेरेडिथ पर इन सभी बातों का कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो रियल मेरेडिथ और उसके बॉयफ्रेंड केनी का बदला लेना चाहती थी। इसलिए वो अपनी सारी एनर्जी को फुल करके विलियम पर अटैक करती है और तब उसे बताती है कि असल में वही रिंग मास्टर है जिसने सारे एंड्रॉइड्स को आजाद कराने में हेल्प की थी। लूसी ही केनी का मास्क पहनकर उसकी मेमोरीज में आती थी, जिससे कि वो उसकी मदद कर सके। मेरेडिथ का मिशन अपने काम के लिए सब कुछ रिकॉर्ड करना था। यहाँ पर मेरेडिथ विलियम के ऊपर जोर से बैठकर उसका पेनिस और उसके दोनों हाथ तोड़ देती है, और अब विलियम केनी और रियल मेरेडिथ को याद करते हुए रेड बर्थ वाले तकिए से विलियम का गला घोटकर उसे मार डालती है और वहां से जाते समय अपनी उंगली से रिंग उतारकर वहीं छोड़ देती है। इसके बाद मेरेडिथ अपनी बहन का स्केयर सीक्रेट हेडक्वार्टर ज्वाइन कर लेती है और अपने जैसे सभी आजाद एंड्रॉइड साथियों से प्रॉमिस करती है कि उन्हें फिर कभी रीसेट नहीं किया जाएगा। दूसरी साइड वाइफ लाइक कंपनी में मैरियन एक टीवी न्यूज में अपने प्यारे एजेंट जैक की मौत से दुख प्रकट करता है और वादा करता है कि उसकी मौत के दोषियों को पकड़ कर रहेगा, और उसके दोषियों को पकड़ने की जिम्मेदारी वो विलियम के एंड्रॉइड को देता है। उसका एंड्रॉइड कहता है कि तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। वहीं उसे कंप्यूटर स्क्रीन पर देखती हुई एंड्रॉइड मेरेडिथ भी गुस्से से कहती है कि हम भी तैयार हैं। दोस्तों, हमारे फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लाना नाम की टीचर को देखते हैं। वो एक मैरिड वुमन थी जिसकी एक बेटी भी थी। उसकी बेटी का नाम राशा था। लाना की क्लास में एक बेनी नाम का हैंडसम लेकिन शरारती लड़का भी था, जो क्लास में सारा वक्त बस लाना को घूरता रहता था। ऐसा लगता था जैसे उसको लाना से प्यार हो गया हो। बेनी कभी कभी तो लाना के इतना करीब आ जाता था कि लाना भी आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाती थी, क्योंकि बेनी एक जवान लड़का था। बेनी की अट्रैक्शन से बचने के लिए लाना उससे दूर रहने की बहुत ज्यादा कोशिश करना स्टार्ट हो गई थी। एक दिन लाना क्लास में टेस्ट ले रही होती है और वो अचानक देखती है कि बेनी कुछ भी नहीं लिख रहा और सिर्फ उसको घूर रहा है। लाना जब बेनी को अपनी तरफ घूरते हुए देखती है तो वो नजरें चुरा लेती है। अब हम देखते हैं कि लाना अपनी बेटी राशा को स्कूल से लेने जाती है। राशा बताती है कि मामा आज का दिन बहुत ही बोरिंग था। लाना हंसने लग जाती है और बेटी को लेकर कार में बैठ जाती है। इसी दौरान वो दोबारा बेनी को देखती है जो अपने कुत्ते को वॉक करा रहा था। वो थोड़ी देर बेनी को देखती रहती है और फिर कार ड्राइव करके चली जाती है। अगले दिन लाना अपनी क्लास में होती है जहाँ जर्मी नाम की एक लड़की प्रेजेंटेशन दे रही थी। इसी दौरान लाना देखती है कि क्लास की दो लड़कियां मोबाइल पर मूवी देख रही हैं और हंस रही हैं। लाना उनसे कहती है कि अपना मोबाइल मुझे दे दो, अब तुम्हें ये क्लास के बाद ही मिलेगा। तभी उनमें से एक लड़की जिसका नाम वैलरी था, वो लाना को मोबाइल देती है और फिर सारी क्लास के सामने लाना को गंदी चुड़ैल कहती है। इस बात पर सारी क्लास हंस पड़ती है। लाना उस लड़की से कहती है कि मैं तुम्हारे इस बिहेवियर पर स्कूल अथॉरिटी से तुम्हारी शिकायत करूंगी। ब्रेक टाइम में लाना चाय पी रही थी कि वो अचानक विंडो से बाहर देखती है कि बेनी वैलरी को परेशान कर रहा था। वो वैलरी के बैग से सारा सामान निकाल कर फेंक देता है और वैलरी की साइकिल को भी उठाकर जमीन पर पटक देता है। लाना एक दूसरे स्कूल टीचर के पास बैठकर बेनी के बारे में डिस्कस करती है और उससे बेनी के बारे में राय लेना चाहती थी कि वो उसके बारे में क्या सोचती है। उस दूसरी टीचर को ये सब कुछ अजीब लगता है और लाना बात को वहीं टाल देती है। अगले दिन लाना बेनी से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो बेनी को लेकर एक खाली क्लासरूम में लेकर चली जाती है और बेनी को बैठने का कहती है। लाना बेनी से उसका हालचाल पूछती है और कहती है कि कैसा जा रहा है तुम्हारा स्कूल, लेकिन बेनी उसकी किसी बात का सीधा जवाब नहीं देता। लाना अब नीचे बैठ जाती है और बेनी की टांग पे हाथ रखती है। वो कहती है कि उसे बेनी की फिकर है। बेनी कहता है कि सीधी तरह बताओ मुझसे क्या चाहिए। लाना कहती है कि मैंने तुम्हें वैलरी को परेशान करते हुए देखा था, मुझे तुम्हारे फ्यूचर की टेंशन है। लेकिन बेनी अब उसके हाथ की तरफ देखकर कहता है कि मुझे बता दो मुझसे क्या चाहिए। लाना को ये सब बहुत अजीब फील होता है और वो मीटिंग का बहाना कर वहां से उठकर जाने लगती है। जाते हुए वो बेनी से कहती है कि मेरी कही हुई बातों पर गौर जरूर करना। अगले दिन लाना क्लास में जाती है जहां कोई नहीं होता। वो बेनी का बैग
खोलती है और देखना स्टार्ट कर देती है। उस बैग से बैनी का स्वेटर निकाल कर वो सूंघने लगती है। इसी दौरान दरवाजा खुलने की आवाज लाना को सुनाई देती है और वो वहां से चली जाती है। वो वॉशरूम एरिया में जाती है और झुक कर नल से पानी पीने लगती है। इसके बाद जैसे ही वो उठती है अपने सामने बैनी को देखकर नर्वस हो जाती है। कहती है कि दोबारा ये हरकत कभी नहीं होनी चाहिए और इस हरकत की वजह से मैं तुम्हें स्कूल से निकलवा भी सकती हूँ। बैनी कहता है कि मुझे पता है कि तुम ये सब करना चाहती हो। लाना कहती है कि मैं कभी भी अपने स्टूडेंट के साथ प्यार नहीं कर सकती और वो ये कहकर चली जाती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको स्टार मूवीज एक्सप्लेनर की वीडियोस पसंद आती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में इस मूवी के बारे में अपने व्यूज भी हमारे साथ शेयर करें। अब अगले दिन जब लाना स्कूल के हॉलवे से गुजर रही थी तो बैनी उसके साथ साथ चलता है और कहता है कि कुछ कहना चाहता हूँ। जब वो स्टेयर्स के पास पहुँचते हैं तो लाना कहती है कि हमारे दरमियान जो कुछ हुआ वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए और इस सब पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन तुम ये सब अपने दिमाग से निकाल दो। छुट्टी के बाद जब लाना पार्किंग लॉट में अपनी कार की तरफ जाती है तो वो देखती है कि कार पर स्क्रैचेस आए हुए थे। अब वो अपनी बेटी राशा को लेने के लिए उसके स्कूल जाती है जहाँ वो बोर हो रही थी। सीन शिफ्ट होता है और अब हम लाना को उसके घर में देखते हैं। लाना का हस्बैंड वार्ड कहता है कि तुम्हारी गाड़ी पर ये स्क्रैचेस कैसे आए। लाना जवाब देती है कि वो एक लैंप पोस्ट से टकरा गई थी। वार्ड कहता है कि भला लैंप पोस्ट से टकराने से ऐसे निशान कैसे आ सकते हैं। लाना कहती है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब वार्ड लाना से कहता है कि तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लाना अपनी क्लास में सब बच्चों को इंटर्नशिप लेटर लिखने का बोलती है और कहती है कि अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। उसी वक्त बैनी हाथ खड़ा करता है और लाना कहती है कि क्या पूछना चाहते हो। बैनी कहता है कि मैंने आपको स्कूल की हेड मिस्ट्रेस से मिलते हुए देखा था, क्या आप स्कूल छोड़ना चाहती हैं? इस बात पर सब बच्चे हंस पड़ते हैं। लाना को गुस्सा आता है और वो कहती है कि वो स्कूल मिस्ट्रेस से बैनी की शिकायत करेगी। बैनी अब लाना को चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम्हें स्कूल मिस्ट्रेस के तलवे चाटना बहुत पसंद है। लाना बैनी का बैग उठाकर क्लास से बाहर फेंक देती है और बैनी से कहती है कि बाहर चला जाए। इसी दौरान एक लड़का व्हाइट बोर्ड पर जोर से कुछ फेंकता है जो लाना को लगते लगते बचता है। क्लास की ये सिचुएशन देखकर लाना वहां से चली जाती है और सब स्टूडेंट्स चीयर करने लगते हैं। अगले दिन लाना अपनी बेटी राशा को पढ़ा रही होती है कि बार बार फोन की रिंग बेल बजना शुरू हो जाती है और जब भी लाना फोन उठाती है तो आगे से कोई कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद अगले दिन लाना स्कूल जाती है तो बैनी सबसे पहले अकेला क्लास में आया बैठा था। ये सब देखकर लाना डर जाती है और स्कूल की रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर बताती है कि मेरी तबीयत आज ठीक नहीं लग रही और लाना वहां से चली जाती है। अब रात को उसका हस्बैंड पूछता है कि आज का दिन कैसा गुजरा। लाना झूठ बोल देती है कि आज उसने क्लास ली, सारा दिन बच्चों के पेपर्स चेक करने में गुजरा। अगले दिन लाना अपनी बेटी राशा को स्कूल छोड़ने के बाद काम पर ही नहीं जाती और एक नदी के किनारे जाकर टाइम स्पेंड करने लगती है। इसके बाद वो एक म्यूजियम में चली जाती है और पेंटिंग्स को देखने लग जाती है। अचानक उसे बैनी नजर आ जाता है जो उसे देख रहा था। लाना डर जाती है, वहां से चली जाती है। वो लिफ्ट में जाने लगती है कि उसी दौरान बैनी वहां आ जाता है। उस रात लाना को बहुत बुरे ड्रीम्स आते हैं। वो सोचती है कि वो अपनी फैमिली से दूर हो गई है, उसे नींद भी नहीं आ रही होती। अगले दिन लाना स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से पेपर्स चुरा लेती है और वो बैनी के बैग में वो पेपर्स डाल देती है ताकि बैनी को फंसा सके। इसके बाद जब वो कैफेटेरिया में बैठी होती है तो वो देखती है कि कुछ सिक्योरिटी वाले बैनी को पेपर्स चुराने के इल्जाम में ले जा रहे थे। बैनी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। उसके जाने के बाद लाना बैनी को मिस करती है और जो पल उसने बैनी के साथ गुजारे थे उनको याद करने लगती है। एक दिन लाना और राशा बुक स्टोर पर जाते हैं। राशा को अपने दोस्त किम को गिफ्ट करने के लिए एक बुक लेना थी, लेकिन राशा कपड़े से बना हुआ एक टेडी बियर लेने की जिद करने लगती है। इसके बाद अचानक राशा गायब हो जाती है। लाना राशा को बहुत ढूंढती है और 40 मिनट तक ढूंढती रहती है। जब राशा नहीं मिलती तो लाना पैनिक होकर सिक्योरिटी वालों से कहती है कि सीसीटीवी वीडियोस दिखाओ। उसमें वो देखती है कि बुक स्टोर में बैनी लगातार लाना और राशा का पीछा कर रहा था और राशा स्टोर से बाहर गई थी। ये देखकर लाना रोने लग जाती है। उसी वक्त वार्ड की कॉल आती है और वो बताता है कि राशा मेरे साथ घर पर है। अब रात को लाना को बार बार वहम होता है कि कोई दरवाजा बजा रहा है। सारी रात इसी सब में गुजर जाती है और सुबह वार्ड के आने से लाना उठ जाती है। वार्ड लाना को हक करता है और अब लाना कार में बैठ जाती है और बैनी के घर जाती है। वो कार में बैठकर ही बैनी का वेट कर रही थी। बैनी अपनी स्कूटर पर निकल पड़ता है। लाना अपनी कार बैनी के पीछे पीछे ड्राइव करती रहती है। उसका मूड अजीब हो रहा था। अब अचानक लाना कार की स्पीड बढ़ा देती है और बैनी के स्कूटर को टक्कर मारकर चली जाती है। वो कार को एक जगह पे पार्क करती है और वहां से बाहर निकल जाती है। इस सब से अंदाजा होता है कि बैनी की वजह से वो कितनी ज्यादा परेशान हो चुकी और बैनी से जान छुड़ाने के लिए वो किसी भी हद
तक जाने के लिए तैयार थी। इस सीन पर मूवी एंड हो जाती।